नमस्कार दोस्तों, खाड़ी के देशों में एक बार फिर से तहलका मच गया है। दुनिया के 5 शक्तिशाली देश आपस में भिड़ गया है और बड़ी बात तो यह है ये पांचों भारत का सच्चा मित्र है। दोस्तों, भारत किसी को रोक नहीं सकता है और किसी को मना भी नहीं कर सकता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इन पांचों देश को भारत से बहुत ही उम्मीद है। सब चाहता है कि इस युद्ध में भारत भी आए। दोस्तों, भारत के लिए करो और मरो का सिचुएशन बन गया है। अगर यहाँ भारत सरकार चुप रहता है तब भी नुकसान, नहीं चुप रहता है तब भी नुकसान, यानी कि युद्ध में जाए तो भी नुकसान, नहीं जाए तो भी नुकसान। दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है और इस मुसीबत का फायदा दो देश उठाएगा, एक है पाकिस्तान, दूसरा चाइना। उसे भयंकर फायदा होने वाला है, इसीलिए हम लोग को अब फूक फूक कदम रखना होगा। आप लोग को पूरा बताऊंगा कि खाई में हुआ क्या है, क्योंकि दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर है। आने वाले समय में देखेंगे दुनिया का समीकरण बदल जाएगा, जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब हिंट साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इन सबसे पहले आपको बताऊंगा, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बारे में तमाम जानकारी वहाँ पे दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले समय में मैं कई प्रकार का वीडियो वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। इन सब के अलावा अपने बारे में जानकारी, इन सब के अलावा दुनिया के बारे में जानकारी वहाँ पे देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं जब से अमेरिका में राष्ट्रपति बदला है वहाँ पे, तब से दोस्तों एक से बढ़कर एक फैसला लिया जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि दो देश बहुत ही परेशान हैं, एक तो है सऊदी अरबिया, दूसरा इजराइल। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, उसे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा क्या हुआ कुछ पता नहीं। बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब को अपने अस्तित्व का खतरा दिख रहा है और इजराइल को लग रहा है कि बाइडन के काल में ईरान के पास परमाणु बम आ जाएगा। इसीलिए ईरान ने ओपनली धमकी देते हुए पूरे दुनिया को चौंकाया है, जो बाइडन का औकात दिखाया है, अमेरिका को ये बताया है कि चाहे आप कोई भी समझौता ईरान से कर ले, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो ईरान में घुस के मारेंगे, ईरानियों को टपकाएंगे, ये श्योर है जब तक हम धरती पर रहेंगे, यानी कि जब तक इजराइल रहेगा उसके रहते हुए ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता है। ईरान का औकात नहीं है, चाहे हमें महायुद्ध छेड़ना पड़े, चाहे खाड़ी में तबाही लाना पड़े, खाड़ी देश में हम तहलका मचा देंगे, लेकिन किसी भी हालत में हम ईरान को परमाणु बम नहीं बना देंगे। और दोस्तों, इसीलिए बेहद ही खतरनाक फैसला कौन लिया है, इजराइल ने ले लिया है। यहाँ पे दोस्तों अमेरिका भी शौक हो गया, क्या यार इजराइल को हो क्या गया है, जो इजराइल इतना प्यार से बात कर रहा था, जो मेरा मित्र था, वो हमें आँख क्यों दिखा रहा है, क्या कारण है। दोस्तों एक बात तो श्योर है, इजराइल ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का नीति बिल्कुल ही बेकार है। देखिए, इजराइल का साफ कहना है कि इसी प्रकार का सेम एग्रीमेंट अमेरिका ने आज से 20 साल पहले किसके साथ किया था, नॉर्थ कोरिया के साथ किया था। नॉर्थ कोरिया फिर भी क्या किया, इस एग्रीमेंट के आड़ में आके न्यूक्लियर हथियार बना लिया, परमाणु बम बना लिया, 2005 में परीक्षण किया। अमेरिका क्या कर पाया, अमेरिका क्या उखाड़ लिया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ये अमेरिका का बहुत बड़ा मूर्खता है, खासतौर पे ईरान को जीवन दान दे रहा है। ईरान को जीवन दान न दे, नहीं तो आने वाले समय में ईरान न्यूक्लियर डील तो कर लेगा, लेकिन उसी के आड़ में बहुत खतरनाक बम बना लेगा, परमाणु बम बना लेगा, जिससे पूरे दुनिया पे खतरा होगा और खासतौर पे हमारे लिए तो सबसे बड़ा खतरा होगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। ईरान के पास जिस दिन परमाणु बम आ गया, उस दिन सबसे पहले ईरान इजराइल को खत्म कर देगा। ये ऐसा हम होने नहीं देंगे, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। दोस्तों इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब की बार आर्या पार कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के भरोसे नहीं जीते हैं, अमेरिका चाहे कोई भी डील कर ले, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन हम समझेंगे ईरान में बम बन रहा है तो हम ईरान में घुस के मारेंगे। इसका हम अभी सबको बोल रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं, ईरान में जाके मारेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा देश उलझा है, पता है कौन, वह सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया को लग रहा है कि ईरान महाशक्ति बन गया, इसीलिए सऊदी अरबिया ने अंदर ही अंदर अब इजराइल से हाथ मिला लिया है, यानी कि सऊदी अरबिया, UAE, इजराइल मिलकर एक नया ग्रुप बना रहा है, जिसका एक ही मकसद होगा, ईरान के ऊपर जानकारी रखना, ईरान का जासूसी करना, आखिर ईरान में हो क्या रहा है। दोस्तों सऊदी अरबिया ईरान का जानकारी लेगा और UAE इजराइल तक सारा जानकारी पहुंचाएगा, और जिस दिन पता चले कि ईरान में कुछ हो रहा है, उस दिन सब मिलकर अटैक कर देगा। दोस्तों इतना खतरनाक प्लान कौन बनाया है, ये 3 देश बनाया है। और इसी कड़ी में इजराइल ने हाल ही में सीरिया में ईरान के जो ठिकाना है, ईरान का जो अड्डा है दोस्तों, उस पर
भयंकर बमबारी कर दिया। इजराइल की वायुसेना ने भयंकर बमबारी छोड़ा और बड़ी बात तो यह है कि ईरान को चौंका कर रख दिया। उसके तुरंत बाद भारत के सच्चा मित्र रसिया ने भी दोस्तों सीरिया पे बमबारी किया। बड़ी बात तो यह है कि उस बमबारी में सीरिया में जो विद्रोही संगठन है उसमें कई सारे आदमी मारा गया। दोस्तों लगातार दो देश बमबारी किया, एक तो इजराइल दूसरा रूस, और तीसरा हाल ही में अमेरिका ने भी सीरिया में बमबारी किया, वो भी ईरान के अड्डा पे। दोस्तों यहाँ पे तीन देश सक्रिय हो चुका है और चौथा सऊदी अरबिया और पांचवा कौन है यूएई। ये सब आपस में एक तरह से भयंकर माहौल बना रहा है और आने वाले समय में युद्ध का नींव रख रहा है। और सबका कारण कौन है? सबका कारण ईरान है, यानी कि एक ईरान ने सबको नाक में दम कर रखा है। ईरान अगर मिसाइल ना बनाएगा, ईरान अगर प्रणव ना बनाए, तो वहाँ बिल्कुल ही शांति हो सकता है, लेकिन ईरान है जो मानता नहीं। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए वहाँ पे शांति फैलने का पूरा संभावना है। आप पूछेंगे, चलो भाई हम मान लेते हैं इजराइल को डर लगता है ईरान से, क्योंकि दोनों कट्टर दुश्मन हैं और दोनों पड़ोसी भी हैं, और बड़ी बात तो यह है कि दोनों का धर्म अलग अलग है, एक यहूदी है एक इस्लाम है। लेकिन ईरान सऊदी को क्या दिक्कत है? दोनों का सेम धर्म है, दोनों ही पड़ोसी है, लेकिन दोनों झगड़ा क्या है? दोस्तों दोनों में झगड़ा है वर्चस्व का। दोनों चाहता है कि हम बड़ा तो हम बड़ा, तुम तो छोटे हो। और दोस्तों सऊदी को पता है जिस दिन ईरान में प्रणव आ गया उस दिन सबसे पहले सऊदी से खासतौर पे राजशाही खत्म हो जाएगा, दूसरी बात वहाँ पे लोकतंत्र आ जाएगा, और तीसरी बात है पूरे दुनिया पे ईरान का, तुर्की का, पाकिस्तान का राज होगा और सऊदी का कोई नामो नहीं रहेगा। सब सऊदी को बोलेगा कि ये डरपोक देश है, हो सकता है सऊदी को तोड़ भी दे। दोस्तों सऊदी को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, इसी कारण से सऊदी अपने सबसे कट्टर दुश्मन यानी कि इजराइल से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। दोस्तों ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मुसीबत यहाँ पे खड़ा हो चुका है। सबको यकीन नहीं हो रहा है आखिरकार सऊदी अरबिया इजराइल से हाथ कैसे मिला सकता है, दोनों तो कट्टर दुश्मन है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब आज तक कभी भी इजराइल को एक देश का मान्यता नहीं दिया है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी बात है, सऊदी अरबिया अभी तक इजराइल को एक देश का मान्यता नहीं दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है। आप लोग कह सकते हैं कि जो बाइडन का एक विदेश नीति बेहद ही खतरनाक साबित हुआ, बहुत ही ब्लंडर साबित हुआ। अगर जो बाइडन ओपनली ईरान पे खासतौर पे प्रतिबंध लगा दे या फिर ओपनली ईरान को प्रणव मरने से रोक दे, दोस्तों फिर कुछ नहीं होगा। ना तो ईरान पे हमला होगा, ना ही इजराइल कुछ करेगा, ना ही सऊदी परेशान होगा, कोई परेशान नहीं होगा। लेकिन एक ही कारण है जिसे सब परेशान, सब बोल रहा है कि आखिरकार बाइडन ईरान से न्यूक्लियर डील क्यों चाहता है, क्या कारण है? डोनाल्ड ट्रंप तो तोड़ दिया था, आखिरकार बाइडन को क्या हो गया है? दोस्तों सब इसीलिए परेशान है और इसीलिए सब दिन रात बयानबाजी कर रहा है। आप पूछेंगे यहाँ पे भारत को क्या नुकसान होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत के यहाँ पे सब मित्र ही है, चाहे सऊदी अरबिया वो भी मित्र है, इजराइल वो भी परम मित्र है, ईरान भी मित्र है, अमेरिका भी मित्र है, दोस्तों रसिया भी मित्र है। कह सकते हैं कि भारत का सब मित्र है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सबको उम्मीद है कि भारत हमारा समर्थन करेगा। अगर जिस दिन युद्ध होगा ना, सबको लगता है कि भारत मेरे बारे में बोलेगा, मेरा समर्थन करेगा। अमेरिका को अलग भारत से कुछ उम्मीद है, इजराइल को अलग से उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ बोलेगा, हमारा सपोर्ट करेगा, ईरान को अलग से उम्मीद है, सऊदी को तो लगता है कि हम सच्चा मित्र बन गया है, हमारे लिए भारत बोल देगा, और उसको तो बहुत उम्मीद है। दोस्तों भारत के लिए सबका बड़ा उम्मीद है, लेकिन भारत किसी के लिए कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि भारत मजबूर है, अगर एक के लिए बोलेगा तो चार नाराज। इसीलिए सिंपल सी बात है, अगर खारी में युद्ध छिड़ा तो समझिए भारत के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बनने वाला है।